हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉग। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। दिखाऊंगा, सारे मुर्गे तो खाली हो चुका है, देख सकते हैं हमारा फार्म में कुछ भी मुर्गे नहीं है, एक भी, सब खाली हो गया। तो अब ऐसे ही थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का काम चल रहा है साफ़ सफाई का। तो ये रबड़ का मैट जो दिख रहा है ना, ये वाला काला वाला, उसे निकलना पड़ता है। वो अभी लेडीज़ लोग निकाल रहे हैं, मैं दिखाऊंगा। हमारा फार्म का मुर्गे सब सेल्स हो गए हैं। 4-5 दिन लग गया है खाली करने में, रात भर काम करके थक चुके हैं। आज से काम स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग में। तो मैट, ये रबड़ का मैट जो है, सब ये निकाला जा रहा है। कैसा निकालते हैं उसको भी मैं दिखाऊंगा। चलिए मैं दिखाता हूँ अभी कैसे मैट निकालते हैं, कैसा मैट रहता है, इसको क्लीन किया जाएगा बाद में। ये हमारा संजय बाबू है जो रस्सी निकाल रहा है, देखो। ये है हमारा बाहर का नज़र, देखिए पूरा मुर्गी खाली हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं दिखाता हूँ मैट खोलने वाला। ये मैट जो खोल रखे हैं, रबड़ का मैट जो मैं दिखाया था कैसा है बोल के, इसको बॉक्स के अंदर डालते हैं। इसमें मुर्गी बैठता है, क्योंकि इसको डाला जाता है कि अंडा देने से, मुर्गी अंडा देने से नहीं फटेगा बोल के इसको दिया जाता है। देखिए सारे मैट निकाल दिए हैं, एक एक लाइन करके निकाल रहे हैं। इसको निकाल के फिर एक जगह जमा करके फिर एक जगह पानी में डाल के एसिड पानी में क्लीन किया जाएगा, नहीं तो ये सारे गंदा नहीं निकलेंगे। देख सकते हैं पूरा खाली निकल गया, कर रख दिए हैं। ऐसा था मैट लगा हुआ, तो खाली सब कुछ निकाल दिए हैं आजकल। यहाँ पर निकाल रहे हैं मैट, देखिए तो सोनाली यहाँ बैठ के मोबाइल देख देख के चिकन भात खा रहा है। का खा रहा सोनाली? दांत में चिकन घुस गया। तुम चिकन भात खा रहा है, मोबाइल देख रहा है? इधर देखो, इधर देखो, मेरे को देखो। हाँ चिकन भात ना, चिकन दिखा देना। तो आज सारे मेट एक एक सेट करके निकाला जाएगा, सभी को निकाल दिया जाएगा। वो सेट में भी साफ सफाई चल रहा है, ऊपर काम देख सकते हैं मैट निकाल रहा है कैसा। तो ऐसा मैट निकाला जाता है दोस्तों, मुर्गी खाली होने से ऐसा निकाला जाता है। टाइट है, इसको एक प्लास्टिक टैग से बना हुआ है, इसको खोलने में बहुत ही दिक्कत लगता है। फिर नेक्स्ट मुर्गी आएगा तो इसी को डालना पड़ेगा क्लीन करके। देख सकते हैं कितना सारा मैट निकाल दिए हैं, 3 लेन का मैट इतना ही है, एक लेन में 400 का मैट है। इसका फिर रस्सी लगा हुआ है, रस्सी भी खोलना पड़ेगा। ये वाला रस्सी जो देख रहे हैं, रस्सी भी खोलना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं रस्सी खोल कर रख दिए हैं, एक लेन का रस्सी है, रस्सी बांधना पड़ता है क्योंकि अंडा नहीं फटता है बोल के। सोनाली बैठ के ही मोबाइल दे दे खा रहा है, बहुत बदमाश कर रही है सोनाली आजकल ना। सोनाली
देखिए मोबाइल देख रहा है, मोबाइल खुजा रहा है, गुस्सा हो रहा है ना। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ सारे मेट निकाल दे चुके हैं एक एक लाइन करके, अभी निकालना बाकी है। एक दिन में एक सेट निकालते हैं मेट, पांच सेट है, पांच सेट को पांच दिन लगेंगे, फिर इसे एक जगह जमा करना पड़ेगा, फिर इसे मोटर लगा के पानी प्रेशर दे के इसको साफ सफाई किया जाएगा, वो भी मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। हमारा काम अभी ऐसे ही चलेगा। यह मुर्गी का कीड़ा है जो बहुत ही हो चुका है। तो ये हमारा साइड लाइन है, साइड लाइन का एक लाइन निकाल दिया है और एक लाइन बाकी है। बहुत ही टाइट लगता है निकालने के लिए। हाथ सब देखिए कैसा लाल हो जा रहा है निकाल निकल के, चोट भी लगता है। सभी सेट खाली हो गया, अभी एक दो महीना ऐसे ही काम चलेगा। साफ सफाई बहुत अच्छे से साफ सफाई चलता है यहाँ पर। इसे सिलेंडर लगा के बर्निंग भी करना पड़ता है, मेडिसिन भी मारना पड़ता है, कीड़ा का मेडिसिन भी मारना पड़ता है, सब कुछ मारना पड़ता है। बाद में जाके पूरा साफ सफाई कंप्लीट होगा। और ये जो नीचे का गोबरा देख रहा है सभी क्लीन हो जाएगा, उठाया जाएगा, उसके बाद नीचे का माटी को साफ किया जाएगा, उसके बाद सब साफ होने के बाद यहाँ पर मुर्गी डाला जाएगा। तो यहाँ पर सोनाली देखिए बदमाश कर रही है बहुत, हमें ब्लॉग बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ बोल रहा है ना सोनाली। तो हमारा फार्म फुल दिखाऊंगा, थोड़ा नहीं दिखाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा। जब तक साफ सफाई नहीं होगा तब तक दिखाऊंगा, और एक महीना बाकी है हम मुर्गी साफ सफाई करने के लिए, तो सब कुछ दिखाऊंगा। तो मैं चलता हूँ दूसरे साइड, वहाँ साफ सफाई कैसा चल रहा है वो दिखाऊंगा। तो सोनाली हमारे पास ही रहता है, खेलता रहता है दिन सारा, हम लोग काम आते हैं तो उसको भी काम लेके आते हैं। अभी पढ़ाई करने नहीं जाती है, इसको स्कूल में ज्वाइन नहीं किए हैं, एडमिशन नहीं कर दिए हैं, और एक साल बाद में स्कूल एडमिशन कर देंगे। तो हमारे लेबर जो है काम कर कर के थक गए हैं, थोड़ा बैठे हुए हैं। हाँ दिखाता हूँ, वो लोग बैठ के थक गए हैं काम कर कर के, थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करेंगे बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं जा रहा हूँ दूसरे सेट, वहाँ पे काम चल रहा है, ऊपर सीट बोलते हैं उसको, अल्वेस्टर भी बोला जाता है, उसको साफ किया जा रहा है। तो मैं चलिए ऊपर जाकर दिखाता हूँ, मैं ये सेट में जा रहा हूँ। मैं सेट पहुँच चुका हूँ। बोला था कि मेट ऐसे जमा करते हैं, एक्सरसाइज करके रखते हैं। मैं दूसरे सेट में आ चुका हूँ, पूरा लाइन दिखाऊंगा मुर्गी है कि नहीं है बोल के, आप लोग को पता चल जाएगा कि मुर्गी खाली आ चुका है सच में। इधर का भी देख सकते हैं, ये लाइन भी खाली हो गया। हमारा लेबर दो है वहाँ पर, साफ सफाई चल रहा है, देखिए सभी लाइन खाली हो गया। फिर चलिए दिखाता हूँ हमारा लेबर काम कर रहा है, उसको क्या बोला, एक बात दो बात शेयर करना चाहते हैं वो लोग। हाय फ्रेंड, देखो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी हम लोग खाना खा के आया, 8:30 बजे काम कर रहे हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, ठीक है। अभी हम लोग का मुर्गी आने के लिए 2-3 महीने लग जाएगा, तो हम लोग अभी सफाई कर रहे हैं,
देखो कैसे सफाई कर रहे हैं। देखो हम लोग का अभी 8:30 बजे आया, 12:30 बजे जाएगा खाना खा के, 1 घंटा देर से उसका बाद फिर आएगा उसका बाद 5 बजे छुट्टी हो जाएगा हम लोग को। अभी तो मुर्गा फुर्गा नहीं है, अभी चीज नहीं चलेगा हम लोग को, अभी आराम का काम मिल गया हम लोग को। देखो तो देखिए दोस्तों, हमारा लेबर जो है यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, मैं दिखाऊंगा, बोला था मैं दिखा रहा हूँ। वो सेट में 5 लोग हैं, इसमें 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, ये सीट को साफ कर रहे हैं। ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम बना नहीं पा रहे थे, जो आज टाइम मिला है फ्री टाइम तो बना लेते हैं एक ब्लॉग। तो इसको सीट को है ना पूरा अच्छी तरह से साफ किया जाएगा, एक भी गंदा नहीं रखना, फिर पानी से धोना पड़ेगा इसे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारा काम कैसा लग रहा है। हमारा और एक लेबर आ गया, ये झाड़ू पकड़ के आ गया है, झाड़ू करेगा बोल के, इसका नाम है चंदन। चंदन एक लकड़ी का नाम भी है और इसका नाम भी चंदन है। लंबा झाड़ू ले क्या उसमें छोड़, भारी है रे वो हल्का। सर किधर गए? तो डेली हमारा काम ऐसे ही चलेगा फ्रेंड्स, बताइएगा कमेंट में जरूर। तो आज का ब्लॉग में इतने ही रखते हैं, हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, चैनल में नहीं हुए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं।